तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से परफेक्ट गुलाब जामुन हम घर में कैसे बना सकते हैं। कुछ चीज़ों की मदद से हम इतने परफेक्ट गुलाब जामुन घर पर बना सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। और आप देख रहे हैं ये कितने सॉफ्ट है, अंदर तक इन्होंने चाशनी को पी लिया है। तो देखते हैं हम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिखा गौतम और मेरे चैनल कुकिंग विद हजी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि प्रीवियसली आपने देख लिया कि हम आज गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। तो मिठाइयों के साथ हर किसी की एक स्टोरी होती है, तो मेरी भी है। जब फर्स्ट टाइम मैंने गुलाब जामुन बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने यूट्यूब से ही देखा था बेसिकली, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मीठा सोडा डाल दिया था और जैसे ही उसे मैंने घी में डाला वो मेरा गुलाब जामुन पूरा बिखर गया और सडनली मेरी हार्ट बीट रुक गई कि मतलब मैंने क्या कर दिया, 1 किलो खोआ पूरा बर्बाद कर दिया। तो फिर फाइनली मैंने मम्मी की हेल्प ली, मम्मी ने आए मुझे बताया, उसमें और मैदा मैंने मिलाया और दूध पाउडर मैंने मिलाया और खोआ मैंने मिलाया, फाइनली वो रसगुल्ला ठीक हो गया। तो हर किसी की एक स्टोरी होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम मिठाई किसी से भी अच्छी नहीं बनती। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी मिठाई ट्राई की है फर्स्ट टाइम मुझसे कोई भी अच्छी नहीं बनी। तो आपके साथ क्या स्टोरी है, आपने जब भी कभी रसगुल्ला बनाया हो, गुलाब जामुन बनाया हो, जलेबी बनाया हो, जैसे कि मैंने मावे की जलेबी बनाई है उसका वीडियो मैंने डाल कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक अवेलेबल है। अगर आप मावे की जलेबी बनाना चाहते हैं हलवाई स्टाइल तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ खोवा ले लिया है जो कि आधा किलो है, तो हाफ केजी आपको यहाँ पे खोवा लेना। और आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारा फैट है, तो ये घर का बना हुआ खोवा है और इसे मैंने घर पे ही बनाया है। तो आधा किलो खोवा के साथ मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और थोड़ा सा दूध लिया है। दूध हम सिर्फ मॉइस्चर के लिए लेंगे और मीठा सोडा, जैसे कि मैंने आपको बताया मीठा सोडा बहुत कम लेना है, और दूध पाउडर का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो दूध पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट और रिच हो जाता है। तो पहले हम करेंगे क्या, मावे को हम नीट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको मावे को नीट करना है और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अंदर तक गुलाब जामुन को सॉफ्ट बनाना है तो सबसे पहले मावे को आपको बहुत अच्छे तरीके से नीट करना है। बस ये प्रोसेस काफ़ी हद तक अच्छे से करनी है हमें, क्योंकि यही जो प्रोसेस होती है हमारे जो खोबे को होता है वो एकदम लचीला बना देता है और अंदर तक ये सॉफ्ट बना रहता है। क्योंकि हम इसे मल देते हैं तो इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है, इसका फैट रिलीज़ हो जाता है, तो हमें इस तरीके से इसका फैट रिलीज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दूध पाउडर मिलाया है और मैदा हम थोड़ा कर करके मिलाएंगे, एक साथ मैदा मत डालिएगा। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और इसे बहुत अच्छे तरीके से नीट करूंगी मैं और एक डो की कंसिस्टेंसी मिलाऊंगी। मीठा सोडा हम बहुत कम मीठा सोडा यूज़ करेंगे, जितना मैंने यूज़ किया सिर्फ उतना ही मीठा सोडा आप भी यूज़ करिएगा, क्योंकि मीठा सोडा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा रसगुल्ला बिगड़ जाएगा, गुलाब जामुन हमारा बिगड़ जाएगा, तो मीठा सोडा बिल्कुल कम यूज़ करना है हमें। तो इस तरीके से आपको मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदे का यूज़ किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इसे डालना है और इसमें आपको एक डो जैसी कंसिस्टेंसी लेके आने। तो पहले तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे मिलाना है, ये प्रोसेस हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब एकदम थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाइए और इसे एक डो जैसा बनाइए। तो अब हमारा खोबा जो है अंदर तक बहुत अच्छे से मुलायम रहेगा वो है दूध की वजह से। तो दूध हमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच इसको बाइंड करने के लिए डालना है, बस इससे ज़्यादा नहीं कि आपने दूध से इसको आटे की तरह गूंद दिया, नहीं, बस इतना दूध हमें डालना है कि ये बाइंड हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी डोई हो जाए, मतलब ये टूटेगा तो बट एक डो जैसा बन जाएगा। आप देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम डो जैसा बन जाएगा और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसमें रेसे जैसे आएंगे। तो देखिए आप, हमारा डो तैयार हो गया है, अब हम बना लेते हैं गुलाब जामुन। तो आपको देखिए मैंने बहुत कम दूध का यूज़ किया है, लगभग 2 से 3 चम्मच ही दूध मेरा लगा है और इस तरीके से आपको यहाँ पर तोड़ लेना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको जितने बड़े गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उतने बड़े बनाइए और इसके क्रैक इस तरीके से दबाकर भर लेने हैं। याद रखिए गुलाब जामुन में क्रैक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको इस तरीके से क्रैक अच्छे से भर लेने हैं और फिर इसके बाद दोनों हथेलियों के बीच से इसको इस तरीके से घुमाइए
और आप देखेंगे बिल्कुल राउंड हो जाएगा ये। और दूध हमने डाला है मॉइस्चर के लिए, इसमें सिर्फ मॉइस्चर के लिए डाला है दूध हमने, और इसका कोई पर्पस नहीं है, दूध डालने का कोई रिचनेस नहीं आती है दूध से, सिर्फ ये मॉइस्ड हो जाता है हमारा जो आटा होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस फिर से करना है और आपको इसको राउंड बना लेना है और सारे बॉल्स बनाकर आपको तैयार कर लेना है। अब बात आती है हमारी इसे फ्राई करने की, तो मेरे बॉल्स यहाँ पर बन गए हैं। आपको घी गर्म करना चाहिए, घी गर्म कर सकते हैं आप, तेल भी गर्म कर सकते हैं, बट घी। और देखिए मैंने कितना गर्म किया है, मैंने बॉल डाली है वो एकदम से ऊपर नहीं आई, थोड़ा देर उसने बबल्स दिए उसके बाद ऊपर आई। तो एकदम मीडियम पर रखिए इसे, लो पे रखिए, एकदम इतना ही गर्म करिए कि बस इसमें बबल्स आने लगे। और आपको इस तरीके से याद रखिए, अगर आप कढ़ाई पतली तली की ले रहे हैं तो उसमें घी ऊपर तक डालिएगा। मैंने गहरे तले की कढ़ाई यूज़ की है ताकि मेरा गुलाब जामुन अंदर तक बिल्कुल अच्छे से डूब जाए। अगर ये नहीं डूबेगा तो हमारे गुलाब जामुन गोल नहीं बनेंगे, चपटे बन जाएंगे। और स्पैचुला बिल्कुल नहीं चलाना, देखिए मैंने यहाँ पर ना लकड़ी के स्पैचुले का यूज़ किया है इस वजह से ताकि इस पे धक्का ना लगे। अगर आप स्टील का स्पैचुला यूज़ करते हैं तो इसे इस तरीके से मत चलाइएगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा मॉइस्ट भी होते हैं और ये तुरंत फट जाएंगे। तो आपको बहुत सावधानी से यहाँ पे काम करना है और इसे सब्जी जैसे मत तल दीजिएगा। तो इसे आराम से इस तरीके से घुमाते जाइए, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करिए यहाँ पर, और इसे इस तरीके से हिलाते रहिए और ये खुद ब खुद ही सीखते जाएंगे। और इनकी जब कवर टाइट हो जाएगी तो आप खुद ब खुद देख लेंगे, ये देखिए इनकी कवर अच्छे से टाइट हो गई है और ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मैंने जूम करके आपको दिखाया। अब हमने यहाँ पर चाशनी बनाई है, तो चाशनी का वीडियो मैंने मावा वाली जलेबी पर अपलोड करके रखा है, अगर आपको देखना है मावा जलेबी के, क्योंकि उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक अवेलेबल कर दी है, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने दो तीन स्लॉट इसके तल लिए हैं गुलाब जामुन के। और घी का यूज़ करिएगा, अगर आप घी का यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए हमारे गुलाब जामुन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से रखे रहने दीजिए और मैं आपको अब रिज़ल्ट दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और याद रखिए जो भी खाएगा वो ज़रूर आपसे ये रेसिपी पूछेगा। तो ये देखिए अंदर तक बिल्कुल चाशनी इसमें जा चुकी है,